तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज का वीडियो है। कंप्यूटर की इस हार्डवेयर की इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर का मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है कुछ आगे की वीडियो के अंदर। तो कंप्यूटर के बेसिक कुछ पार्ट है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। कंप्यूटर के कुछ डिवाइसेस मैंने पढ़ा दिए थे, प्लस मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपके डिवाइसेस भी पढ़ा दिए है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो यहाँ पर जो है सीपीयू के बारे में मेरा टॉपिक है यहाँ पर। तो मेरी सभी पिछली वीडियो देखने के बाद ही वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये जो सिस्टम जो होती है किस तरह से काम करती है, और फिर यहाँ पर डिफरेंट डिवाइस के जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के डिवाइसेस है वो मैंने आपको कह दिए थे। तो बेसिकली जो हमारा जो कंप्यूटर होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम होता है सीपीयू का, तो यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर का अलग अलग टॉपिक पे मैंने 3 टॉपिक पर मैंने वीडियो कंप्लीट बना ली है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। और उसके बाद मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, केबल्स और कैबिनेट के बारे में बताऊंगा, फिर कैमरा और माइक्रोफोन के साथ और बहुत कुछ डिवाइसेस में बताऊंगा, इनपुट आउटपुट और बहुत डिवाइसेस। तो माउस डिवाइसेस क्या होता है और माउस के बेसिक पार्ट्स, मैंने टाइप्स बताए थे माउस की, ट्रैक बोल टाइप, ऑप्टिकल, टच बोल टाइप और किस तरह से ट्रैक बोल टाइप काम करता है। तो ये बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो आप जाकर पढ़ सकते हो। सेंसर टाइप माउस और फिंगरप्रिंट माउस किस तरह से काम करता है, कीबोर्ड पढ़ा दिया था, कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी किस तरह से आई और उसके अंदर कौन कौन सी कीज होती है। प्लस मैंने आपको कुछ सेफ्टी नोट्स दिए थे, कीबोर्ड को यूज़ करते वक्त कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मॉनिटर, मॉनिटर के कुछ टाइप्स मैंने समझाए थे, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, प्लाज्मा, ओएलईडी, 4K एलईडी, फिर प्रोजेक्टर सिस्टम, रेड प्रोजेक्टर सिस्टम और सीआरटी मॉनिटर किस तरह से काम करता है, ये मैंने समझाया था कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज के वीडियो के अंदर। प्लस सेकंड में समझाया था एलसीडी मॉनिटर किस तरह से एलसीडी मॉनिटर काम करता है, एक्टिव एंड पैसिव टेक्नोलॉजी बताई थी मैंने आपको, और कुछ ट्रांजिस्टर के बारे के साथ किस तरह काम करता है यहाँ पर। तो कुछ विविंग एंगल्स दे सकते हो, एलईडी मॉनिटर्स वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको ये समझा दिया था, एलईडी, एलईडी की कुछ टाइप्स वगैरह, प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है, किस तरह से काम करता है। प्लस मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि ओएलईडी किस तरह से काम करती है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वाइज 4K एलईडी की यहाँ पर सिस्टम बता दी, प्रोजेक्टर सिस्टम किस तरह से काम करता है, ये प्रोजेक्टर सिस्टम की कैटेगरी बताए थे। तो ये सभी वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैंने अभी ये सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाकर रखा हुआ है, मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। तो मैंने व्हाट इज सीपीयू इसके ऊपर इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, और यूज़ करते हैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी हाउ मेनी टाइप सीपीयू। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सीपीयू क्या है, ओके, इसका काम क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं हम सीपीयू को, किस तरह से सीपीयू काम करता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कौन कौन सी कंपनी सीपीयू बनाती है। इसी तरह से यहाँ पर इंटेल कंपनी का मैंने समझाया था, फिर से मैंने उसको समझाया था कि किस तरह से काम करता है हमारा सीपीयू। तो इंटेल, इंटेल के कुछ सिस्टम्स वगैरह, ओके। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ह्यूमन और कुछ लैंग्वेज वगैरह, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत कुछ मैंने डिफरेंट डिफरेंट वॉइस के सिस्टम बना दी, किस तरह से काम करता है ये। तो प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग सिस्टम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1951 का अंदर किस तरह से बड़ा कंप्यूटर था, मीन्स इतना बड़ा सीपीयू था, इतने बड़े सीपीयू को छोटे से चिप में, आज इस तरह की टेक्नोलॉजी आगे छोटे से चिप में आ चुका है। तो देख सकते हो कि सामने कि ये बहुत ही किस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो मैं जो टॉपिक मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था आपको किस तरह से हमारा सीपीयू काम करता है, ये कुछ बिट्स और बाइनरी लैंग्वेज बताई थी मैंने, बाइनरी लैंग्वेज किस तरह से काम करती है और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, प्लस डेसिमल लैंग्वेज क्या होती है मैंने कोई भी समझाया था। साथ ही साथ यहाँ पर बाइनरी के कुछ सिक्वेंस वगैरह बताए थे मैंने आपको, और यहाँ पर जो उसके बाइनरी कोड्स की तरफ किस तरह से काम करते हैं। तो
ये सभी वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा बाइनरी का टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है, उसकी बीट क्या होती है, क्या बीट का काम होता है और प्रोसेसर के अंदर बीट इंपोर्टेंट क्यों होते हैं यहाँ पर। तो जितना मैंने आपको साथ ही साथ में कुछ टेबल भी बताया था किस तरह से आपको समझना होता है बाइनरी कोड को, ओके दो तरह के टेबल बताए थे, तो 30 बिट बाइनरी बताया था, फिर 64 बिट बाइनरी आर्किटेक्चर बताया था, जो 32 बिट होता है वो फास्ट होता है, लेकिन वेरी फास्ट जो होता है वो 64 बिट का होता है, जिसमें बड़े बड़े हमारे जो डेटास वगैरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होती है। तो आज के कोड समझा था बाइनरी कोड जो होता है हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के काम करता है, वो ही नहीं समझता है किस तरह से हमने लेटर लिखा या तो फिर इंग्लिश भाषा वो नहीं समझता है, वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी टेक्नोलॉजी समझता है यहाँ पर। और जो भी कोड लिखता है यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर उसके अंदर कौन सा वो समझता है, तो इसका काम होता है इंटरप्रेटर। मैंने आपको समझाया इंटरप्रेटर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोसेस किस तरह से होती है रैम के साथ और रैम क्या होती है मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर रैम के टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझ लो कि ये बाइनरी लैंग्वेज को सिस्टम के थ्रू हमारा सीपीयू की प्रोसेस होती है। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि सीपीयू के टाइप्स बारे में, क्योंकि हमारा सीपीयू टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, कुछ हमारे हर टाइप्स के अंदर हमारे सीपीयू अलग अलग डिफरेंट वाइज के होते हैं। मैंने आपको कहा था कि जिस जैसे यहाँ पर हमारा सीपीयू होता है उस सीपीयू के हिसाब से हमारा एक सॉकेट होता है, मीन्स उसका सेट करने का, उसका टच करने का मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन होती है, तो उसका पार्ट भी अलग अलग होता है। तो आपको सही तरीके से समझना होगा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चेंजिंग हुई टेक्नोलॉजी को टाइमिंग होते होते, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था सॉकेट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुंच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बनाकर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रो कंट्रोलर है उस प्रोसेसर की हम बात करेंगे, तो कुछ इस तरह का माइक्रो कंट्रोलर आपको देखने को मिलेगा चिप को, और इस चिप के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर आपको आर्डिनो बोर्ड करके एक आता है यहाँ पर, जो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, उसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर इस तरह का प्रोसेसर होता है। तो एक तरह का ये प्रोसेसर भी है, उसके अंदर कंट्रोलिंग करने की भी सिस्टम से, वो किस तरह की होती है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसको उसकी जो ब्लैक जो केस होती है उसमें उसकी प्लास्टिक की केस होती है उसको हटा दोगे तो बीच में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ओके। और यहाँ पर उसकी जो कनेक्ट करने वाली जो तारें होती हैं यहाँ पर, ओके, तो ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर का सिस्टम है। अब इसके अंदर देखते हैं तो इसका जो डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि इसके अंदर प्रोसेसर भी है, रैम भी है, रोम भी है जो रीड करने का काम करता है, और इनपुट आउटपुट देने का भी काम ये करता है। और माइक्रो कंट्रोलर MCU जिसको कहा जाता है, फॉर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन द सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं शॉर्ट में MOS, जो कि ऐसा छोटा सा कंप्यूटर ही है जिसको
मेटल ऑक्साइड क्या कहते हैं यहाँ पर, सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप भी लोग बोलते हैं यहाँ पर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर जो होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर कंटेन ऑन और मोर सीपीयू, जिसको प्रोसेसर कोर्स कहे जाते हैं। तो सीपीयू जो प्रोसेसर एक ने एक दोनों एक ही नेम है, लेकिन उसको प्रोसेसर कोर क्यों कहा जाता है वो मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में जब मैं प्रोसेसर के कोर के बारे में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो अलग विथ मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, मतलब एक एक ये प्रोग्रामेबल है, जिसने मैंने आप जिसे जैसे मैंने आपको कहा कि आर्डिनो यूनो करके एक बोर्ड आता है, जिसके अंदर ये माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर लगा हुआ होता है और इसके अंदर प्रोसेसिंग करने की खुद की अपनी टेक्निक होती है, इसका खुद का प्रोग्राम होता है और ये भी बाइनरी लैंग्वेज पर ही काम करता है और यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह भी काम करता है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर हुआ। हालांकि इसके अंदर बहुत सी अलग अलग डिफरेंट टाइप के और एडवांस माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स आ चुके हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर एक ऐसी नई डिज़ाइन एंटर की गई है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, रैम और प्रोग्राम मेमोरी, ये सब कुछ इसके एक ही चिप के अंदर आ जाए। तो आपको ये प्रोग्राम मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक रैम नॉन फ्लैश और ओटीपी रोम इज आल्सो ऑफ्टन इंक्लूड ऑन चिप एज वेल एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम। तो प्रोग्राम ये मेमोरी ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में एक NOR फ्लैश की जो कहा जाता है यहाँ पर, NOR मतलब बहुत ही स्मॉल सिस्टम, जिसके अंदर सब कुछ प्रोसेसर भी आ जाए, रैम भी आ जाए, मेमोरी भी आ जाए और AD कंट्रोलर जो सिस्टम को कंट्रोल करता है और प्रोसेस करते वक्त इसके साथ काम करता है और आउट फ्लैश भी सिस्टम काम करता है। तो ये स्मॉल अमाउंट रैम करता है। तो कुछ आपको ये भी बताएगा कुछ यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के जो चिप्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये ज़्यादातर हमारे जो कुछ PSP वगैरह होती है, PSP है, PS3 है, PS4 है, इसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है यहाँ पर, और भी बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर ये प्रोसेसर एड होते हैं यहाँ पर। तो माइक्रो कंट्रोलर आर डिज़ाइन टू इमीडिएट एप्लीकेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर यूज द पर्सनल कंप्यूटर और जनरल पर्पज एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डिस्क्रीट चिप। तो कुछ जनरल हमारे पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। तो टैबलेट जो है, टैबलेट के अंदर भी ये माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम यूज होती है। PSP है, इसके अंदर भी ये चीज़ें होती है। तो ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए यूज होती है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज दैट इज यूज बाय अ कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, इसके अंदर कंटेन मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट इंक्लूडेड। तो हम जो दूसरा प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है इसको, जो हम डेस्कटॉप के अंदर यूज़ करते हैं। और उसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड्स, बहुत कुछ उसके साथ टुगेदर होता है। और सब कुछ माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 20th सेंचुरी के अंदर कुछ चिप्स के अंदर भी एंटर की गई है। तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, PS3 PS4 के अंदर देखने को मिलेंगे, जो स्पेशली उसकी चिप की तरह उसको सोल्डर कहा जाता है। और आपको PSP में भी कुछ ऐसी माइक्रो प्रोसेसर्स भी मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो प्रोसेसर होते हैं हाई लेवल के, जो हमारे प्रोसेसर जैसे कि नेटवर्क का आपने मेरा वीडियो पढ़ा होगा, तो इसके अंदर स्विच करके एक वीडियो है स्विच डिवाइसेस के ऊपर। फिर यहाँ पर एक राउटर करके आता है डिवाइस, उसके अंदर भी होता है ये माइक्रो प्रोसेसर। प्लस यहाँ पर और भी बहुत कुछ डिवाइसेस के अंदर ये लगा जाता है। लेकिन बात करें 20th सेंचुरी रिक्वर्सिबल चिप्स, क्या मतलब होता है कि उसको स्पेशल सिस्टम के साथ एंटर किया गया है यहाँ पर। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर लगता है चिप के अंदर,
जिसके लिए पीसीबी सॉकेट चाहिए होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर हमारा पीसीबी एक सर्किट होती है जिसके साथ इसको आपको सॉकेट की ज़रूरत नहीं होती, उसकी पिसल एक जगह ही होती है, उसको वहाँ पर आपको सेट करके उसको सोल्डर करवाना पड़ता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हैव टू डू एवरी थिंग फ्रॉम कंट्रोलिंग एलिवेटर टू सर्चिंग और द वेब। तो जो कोई भी हम कंट्रोलिंग करते हैं, कोई भी सिस्टम हम काम करते हैं, कोई भी हम सर्चिंग वेब करते हैं, तो ये हर काम को कंट्रोल करता है। हालांकि इसके अंदर कोई रैम नहीं होती, ना ही इसके अंदर ये प्रोसेस करने का काम करता है। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज द डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड माइक्रो प्रोसेसर कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन मेनी मिलियंस ऑफ टाइम अ सेकंड। तो ये जो हम किसी कोई भी हम कंप्यूटर को लेफ्ट साइड माउस ले जाते, राइट साइड माउस ले लेते, तो ये इंस्ट्रक्शन देता है हमें कंप्यूटर को, प्रोग्राम को। तो इंस्ट्रक्शन काम देने का काम यहाँ पर ये माइक्रो प्रोसेसर करता है, उसको कंट्रोल करने का काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। ये इसके अंदर एक ही सेकंड्स के अंदर, बहुत सारे सेकंड्स के अंदर इंस्ट्रक्शन वो पास आउट करता है, कंट्रोल करता है, उसके ऊपर काम करता है, प्रोसेस करता है। तो कुछ इस तरह के भी आपको सीपीयूस मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये इस तरह के सीपीयू जो होते हैं स्पेशल कुछ डिवाइसेस के अंदर लगाया जाता है, जैसे कि कुछ आर्मी के इक्विपमेंट्स के अंदर लगाया जाता है, कुछ हमारे जीपीएस सिस्टम्स के अंदर भी लगाया जाते हैं, रडार के अंदर भी इस तरह के सीपीयूस यूज़ होते हैं। और पिस्टल जो हमारे कुछ ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल टावर्स हो गए, फिर हमारे मोबाइल के कुछ ऐसे सर्वर के सिस्टम के अंदर भी जो पिस्टल कुछ सीपीयू एड्रेस होते हैं यहाँ पर। फिर तीसरा जो एम्बेडेड प्रोसेसर होता है, एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, सभी प्रोसेसर में छोटा ये जो स्मॉल होता है, और ज़्यादातर हमारे मोबाइल के अंदर यही होता है। तो एन एम्बेडेड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन इन टू सिस्टम टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल फंक्शन। तो ये जो एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर को डिज़ाइन किया गया है जो दोनों सिस्टम के अंदर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल फंक्शन। तो मैकेनिकल फंक्शन क्या होता है कि जो हम अलग अलग तरह की जो डिज़ाइन करते हैं, या तो फिर हम बोर्ड बनाते हैं, कोई भी हम पीसीबी बनाते हैं, तो हमारा जो मोबाइल होता है वो टच स्क्रीन होता है। साथ ही साथ हमारा कोई कोई सा कंप्यूटर का हमने सर्किट लिया है या सर्किट बनाया है, तो बहुत सारी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर भी ये प्रोसेसर आते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोसेसर का क्या काम होता है इजीली जो होता है, तो एम्बेडेड प्रोसेसर आर यूजुअली सिंपल डिज़ाइन लिमिटेड इन कंप्यूटेशन पावर और इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज इन हैव मिनिमल पावर रिक्वायरमेंट्स। तो इसको बहुत ही कम से कम पावर के अंदर चला जाता है। तो अगर आपने देखा होगा कि आपकी बैटरी जो होती है, बैटरी का पावर जो होता है 4.5 वोल्टेज की, या 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, या जो भी हो, हम 5 वोल्ट यहाँ पर सेट करके चलते हैं। तो 5 वोल्ट की बैटरी है आपकी मोबाइल की, तो समझ लो कि यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी के अंदर सीपीयू को पावर तो चाहिए होगा, और इसका काम भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन हर फंक्शन को हर प्रोग्राम को इसको ही रन करना पड़ता है, इसे को ही प्रोसेस करना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, इसके अंदर डेटा इनपुट आउटपुट देने होते, तो क्या करता है कि यहाँ पर 1.5 कुछ सीपीयूस आते हैं, मतलब 1.5 वोल्टेज के आते हैं, कुछ 1 वोल्टेज के आते हैं, तो ये बहुत ही कम पावर के अंदर ये काम करता है। तो अगर आप ये दिख रहे हो यहाँ पर सामने, मैं कुछ इस तरह से मिनिमम कंप्यूटर लेकर भी आऊँगा, तो ये भी एक कंप्यूटर है पूरा, इसके लिए पूरा बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर भी ये माइक्रो कंट्रोल चिप ऐड होती है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइक्रो कंट्रोल चिप है यहाँ पर, और ये सीपीयू के लिए भी यहाँ पर सिस्टम ऐड होती है यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप सिस्टम्स ऐड होने के कारण ये माइक्रो कंट्रोल की और हमारा कंप्यूटर, हमारी टेक्नोलॉजी छोटी हो गई। फिर इसको हम समझते हैं कि और भी सिग्नल्स के बारे में, मीन्स और नेक्स्ट कुछ डीएसपी प्रोसेसर के बारे में। तो डीएसपी प्रोसेसर बहुत ही अलग तरह का काम करता है। ये डीएसपी प्रोसेसर क्या होता है कि दे आर वाइडली यूज्ड ऑडियो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रडार सोनार एंड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एंड कॉमन यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एस मोबाइल फोन डिस्क ड्राइव एंड हाई डेफिनेशन टेलीविजन। तो डीएसपी प्रोसेसर पीसीएल
जैसे कि मैंने कहा था कि रडार, सोनार, ऐसे ही सिस्टम के अंदर भी ये डीएसपी भी टेक्नोलॉजी एंटर होती है। और जो हमारी टीवी होती है जिसके अंदर हम 4K टीवी कहते हैं या एलईडी कहते हैं या एलसीडी कहते हैं, इसके अंदर भी ये प्रोसेसर आते हैं। जैसा ये क्या करता है कि दो तरह के काम करता है, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ये फिल्टर करता है, मतलब बदलता है। तो वो किस तरह से होता है, कैसा होता है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली ये डीएसपी प्रोसेसर जो होता है, द गोल ऑफ डीएसपी रिसीविंग मेजर फिल्टर और कंप्रेस फंक्शन रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल। तो जो रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसका क्या होता है कि उसको कंप्रेस में उसको कंटिन्यूसली पावरफुल तरीके चलाना होता है। और मोस्ट जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर कैन ऑल्सो एक्सिक्यूट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो इस तरह के चलते हैं, लेकिन जबकि डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो सीधे सीधे इस तरह से चलते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा कि इसकी प्रोसेस किस तरह की होती है। तो ये डिजिटल जो होते हैं इसके अंदर बाइनरी सिस्टम्स भी होती है, इंटरप्रेटर्स आउटपुट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। तो पिछली वीडियो देखने के बाद ये प्रोसेसर्स की इस वीडियोस देखे, तो बट मैं नॉट एबल टू कीप अप विथ सच प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली इन रियल टाइम। तो कुछ ऐसे प्रोसेसर काम नहीं कर पाते जहाँ प्रोसेसर कंटिन्यूसली इन रियल टाइम के अंदर ये एनालॉग टू डिजिटल में काम नहीं करते, तो वहाँ पर ये डीएसपी प्रोसेसर दोनों तरफ काम करता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये डिजिटल प्रोसेसर एक स्पेशली प्रोसेसर माइक्रोचिप के साथ कनेक्ट होता है, इसका आर्किटेक्चर ही ऑप्टिमाइज करने का काम होता है, जैसे कि मैंने। तो ये ऑपरेट करता है इस डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, और डीएसपी फैब्रिकेट और मॉस इंफेक्टिव सर्किट चिप के अंदर होता है। तो मैं चाहता को मैं अगर मैं चाहता तो मैं आपको ये पहले बता देता था, लेकिन ये मैं अभी नहीं किया क्योंकि मैंने आपको पहले डायरेक्ट इसका क्या यूज़ होता है ये समझा दिया। लेकिन ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर हो और ये प्रोसेसर जो काम करता है स्पेशली इसको बनाया गया इसके लिए कि उसका जो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स उसको एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल तो एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए ये सिस्टम होता है यहाँ पर। तो देख सकते हो कि एनालॉग सिग्नल है जिसको एडीसी, मतलब हमारा जो एडीसी सिस्टम होता है इसको जो इसके अंदर ही इनबिल्ड होता है जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करता है, तो इसको डीएसी में कन्वर्ट कर लेता है डायरेक्ट यहाँ पर, और सिग्नल एनालॉग देख सकते। तो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने का काम भी यही करता है। तो कुछ टाइम के अंदर कुछ प्रोसेसर के अंदर इसको ऑलरेडी कर डीएसपी इसको कहा जाता है, जो पावर इफिशियली होता है यहाँ पर, और ये बहुत ही सूटेबल होता है यहाँ पर पोर्टेबल डिवाइस, जैसे कि मोबाइल फोन्स होते, पुराने वाले मोबाइल फोन्स जो होते हैं, जो नए मोबाइल के साथ इसके अंदर कोई कनेक्टिविटी करवानी है, जैसे कि आपका 2G फोन है, 3G फोन है, और इसकी कनेक्टिविटी आपको 4G या 5G में करनी है, तो ये डीएसपी प्रोसेसर प्लस इसके साथ अलग अलग और भी कंटिन्यूसली काम सेटअप करने के लिए। तो इस तरह से MP3 ऑडियो के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो वो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कनेक्ट करने के लिए ये प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी सर्किट के ऊपर होगा, कुछ सर्किट के ऊपर ये नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि वो प्रोसेसर के साथ उसको एंटर किया गया होता है, जिसको ADC कहा जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ फ्रिक्वेंसीज वगैरह यहाँ पर है। मैं नेक्स्ट कुछ जैसे तो आप यहाँ पर कुछ हमारा एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर या तो फिर कोई ऐसा और पीछे कोई डिवाइसेस है जो एनालॉग है, एनालॉग सिस्टम है, क्योंकि इसके ऊपर जो बटन से जो सिस्टम से वो एनालॉग टेक्नोलॉजी से है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि हमारा कोई टच स्क्रीन होता है, वही चीज़ होता है। तो ऐसे सिस्टम को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल में बदलने के लिए यही चिप काम आती है, DSP। तो DSP जो है ऑडियो कम्युनिकेशन, इमेज मैनिपुलेशन के लिए, ऑर्डर डेटा एक यहाँ पर एक्शन और डेटा को कंट्रोल करने वाली एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे कि मैंने कहा एक IC होती है, डिजाइन फॉर हाई स्पीड डेटा मैनिपुलेशन और इस यूज
इस इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होता है यहाँ पर। तो मीडिया प्रोसेसर क्या होता है, पांचवा हमारा मीडिया प्रोसेसर है। तो मीडिया प्रोसेसर एक मोस्टली यूज इमेज वीडियो प्रोसेसर है, जो इमेज पर भी काम करता है, वीडियो के ऊपर भी काम करता है। और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑन चिप डिजाइनड टू डील विथ डिजिटल स्ट्रीमिंग। जो डिजिटल आप सिस्टम यूज़ करते हो, जो बड़े बड़े होम थिएटर होते हैं, जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, जो इससे से बड़े बड़े एम्पलीफायर्स होते हैं, इसके अंदर जो डेटा रियल टाइम होता है, जैसे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट बढ़ाना होता है, ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं उसके ऊपर ये प्रोसेसर कंटिन्यूसली लगे हुए होते हैं। और दिस डिवाइसेस कैन ऑल्सो कंसिडर क्लास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होते हैं, जो ये इस तरह के प्रोसेसर्स होते हैं यहाँ पर देख सकते हो। तो इसकी जो अंदर की जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसके अंदर, तो थाउजेंड ऑफ उसके अंदर हजारों लाखों इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर डायोड्स वगैरह होते हैं। तब उन सबका एक मिक्स बनाकर एक स्पेशल सर्किट बनाई जाती है, और वो सटीक और वो सर्किट काफ़ी छोटी होती है। और इस सर्किट के अंदर बहुत सारे सभी कंपोनेंट को बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी के साथ इसको प्रिंट किया जाता है। तो यही ये मेन चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पर सामने। ओके, तो प्रीवियस मीडिया प्रोसेसर जो पिछले का जो जो हमने अभी पिछली वीडियो के अंदर हमने चेक किया था, देखा था कि कुछ हमारा ऑडियो के लिए हम प्रोसेसर यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये स्ट्रीमिंग मीडिया डेटा बाय डेटा को प्रोसेस करने के लिए फिक्स फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। तो प्रीवियस टू मीडिया प्रोसेसर दे स्ट्रीमिंग मीडिया डेटा टाइप वेयर प्रोसेसर यूजिंग अ फिक्स्ड फंक्शन एंड हर वाई एक्सिस विच कॉल नॉट बी अपडेट इन द फील्ड। तो अगर आपने कुछ ऐसा फिक्स फंक्शन रखा हुआ है, या तो फिर उसको हर वाई एक्सिस या कुछ अपने कुछ नया अपडेट आपके अंदर सिस्टम के अंदर किया हुआ है, तो पुराना टाइम का जो आपका इस तरह का यहाँ पर प्रोसेसर होता है उसको निकालना होगा, उसको आप अपडेट नहीं कर पाओगे। सो दिस वॉज बिग डिसएडवांटेज वेन एनी ऑफ मीडिया स्टैंडर्ड वेयर चेंज सिंस मीडिया प्रोसेसर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डिवाइस इस। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, इसका जो डिवाइस एडवांटेज मतलब उसका आपका इस मेन पॉइंट ही वीक पॉइंट ही है कि यहाँ पर कोई भी इसका स्टैंडर्ड चेंज होता है, जैसे कि हमारा वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, कोई हमारी गेम है या फिर हमारा कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है, तो कोई फाइल ऐसी है अपडेट आई है जो वर्जन 3 पर चलेगी, वर्जन 2 पर नहीं चलेगी, या फिर वर्जन 1 पर नहीं चलेगी। तो यही इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसका गैर फायदा है, जो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। अगर इसका अपडेट आता है तो पुरानी वाली जो प्रोसेसर चिप होती है मीडिया प्रोसेसर, उसको आपको हटानी होगी, या तो फिर कोई उसका नया डिवाइसेस लेना होगा, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड में कुछ ऐसा मीडिया प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आपको नया कोई वीडियो आया है 3D, या तो फिर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, या कोई बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का आया है, तो ऐसे प्रोसेसर पुराने वाले जो लोड नहीं उठा सकते, या तो फिर वो प्रॉब्लम होती, तो समझ लो कि वहाँ पर हमारा मीडिया प्रोसेसर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग डन ऑन द कुल बी अपडेट विथ न्यू सॉफ्टवेयर रिलेटेड रिलीज। तो कुछ नए सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड करने पड़ेंगे, या तो फिर आपको नया डिवाइसेस लेना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो पहले हमारे पुराने टाइप के जो अलग अलग तरह के हमारी जो मीडियास में हमारी वीडियो उतारते थे, पहले तो छोटा कैमरा नहीं था, उससे पहले बड़े बड़े फिल्म के अंदर कैमरे थे। फिर धीरे धीरे करके आपने हमने सबने एक तरह का एक टेक्नोलॉजी बदलते हुए देखा कि आज के छोटे से मोबाइल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, वीडियो को अच्छी क्वालिटी के अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये पुरानी वाली फिल्म के थ्रू आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो ये चेंजिंग होता है यहाँ पर। द अलाउड न्यू जनरेशन ऑफ सिस्टम क्रिएटेड विदाउट हार्डवेयर रीडिजाइन। तो एक ऐसा प्रोसेसर ही बनाया गया कि इसके लिए आपको हार्डवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, खुद बड़ा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि अलग अलग पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो फॉर सेटअप बॉक्स इन दिस इवन अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ इन द फील्ड अपग्रेड बाय डाउनलोडिंग न्यू सॉफ्टवेयर टू केबल और सेटेलाइट नेटवर्क।
ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर आपको सामने एक एग्जांपल है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे पुराने वाले सेक्टर बॉस होते हैं वो अब नहीं चलेंगे, क्योंकि उसकी जगह आप नए सेक्टर बॉस लाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर उसका एप्लीकेशन, उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है, उसका हार्डवेयर चेंज हो चुका है, तो उसकी जो सिग्नल्स होते हैं, उसके जो प्रोसेसिंग सिस्टम होती है, फंक्शंस होते हैं, वो भी चेंज हो जाएगी। तो यही सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज करता है डील विथ दिस मीडिया डेटा वाइट डेटा टाइप मेमोरी इंटरफेस स्ट्रीमिंग मीडिया इंटरफेस। सो माइक्रो प्रोसेसर जो ऑप्टिमाइज करता है, डील करता है उसके मीडिया के डेटा टाइप्स के साथ, और मेमोरी इंटरफेस जो होती है वो स्ट्रीमिंग करती है मीडिया इंटरफेसेस को। स्पेशलाइज फंक्शन यूनिट हेल्प टू डील विथ वेरियस डिजिटल मीडिया कोड्स। तो स्पेशल जो उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके खुद के भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर के जो हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं उसी तरह से इसके अंदर भी बाइनरी सिस्टम्स होती है, और उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं। तो इसके मीडिया कोड्स सिस्टम होते हैं, और माइक्रो प्रोसेसिंग माइंड है दिस ऑप्टिमाइज करता है यहाँ पर, जो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के बड़े बड़े ग्राफिक्स डिजाइन वाले हम काम करते हैं। तो प्रीवियसली टू द मीडिया प्रोसेसर दिस स्ट्रीमिंग मीडिया डेटा टाइप्स वेयर प्रोसेसर यूजिंग प्रीसेट फंक्शन। तो कुछ पिछले मीडिया प्रोसेसर जो है यूज स्ट्रीमिंग डेटा टाइप का उतना पावरफुल फिक्स फंक्शन करता था और हार्डवेयर एक्सेस का करता है, लेकिन वो अपडेट नहीं हो पाते थे। लेकिन इसको इस सिस्टम को आने के बाद इस तरह की SMP8650 सीरीज के मीडिया प्रोसेसर्स आने के बाद अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। अगर आपने देखा होगा किस तरह से कन्वर्टर्स आते हैं यहाँ पर, उसको लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो को कन्वर्टिंग करने के लिए, वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि कोई ऐसी मूवी है जिसको 3D में बदलना है, 3D की सिस्टम के अंदर बदलना है, तो ये प्रोसेसर ही काम आते हैं पावरफुल तरीके से। तो ये कहाँ पर लगते हैं, ऐसे डिवाइसेस के अंदर जिसको हम मीडिया को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले जो प्रोसेसिंग होते हैं, या पर प्रोसेसिंग ट्रांस यहाँ पर वीडियो को चेंज करने वाले, मीन्स जिसको वीडियो को कन्वर्ट करने वाले डिवाइसेस यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंप्यूटर के चलाते हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर किस सिस्टम का यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही प्रोसेसर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। दिस वॉज बिग डिसएडवांटेज एनी ऑफ द मीडिया स्टैंडर्ड वेयर चेंजिंग। इसका कोई भी स्टैंडर्ड चेंज होता है, कोई भी स्टैंडर्ड चेंज होता है, तो सिंस मीडिया प्रोसेसर आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, द प्रोसेसर डॉन ऑन द कॉल नॉट कॉल बी अपडेटेड विथ न्यू सॉफ्टवेयर रिलीजेस। तो कोई पुराना वाला कोई स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, या फिर उसका स्टैंडर्ड उसका बदल चुका है, तो वो प्रोग्राम भी आपको बदलना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर भी आपको नया लाना पड़ेगा, वरना चाल स्टार्ट नहीं हो। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो डिसएडवांटेज है, मतलब इसका आप फायदा नहीं उठा पाओगे। तो हम इसका और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सीपीयू कोर्स के बारे में, हम पढ़ चुके हैं सीपीयू टाइप्स के बारे में, मैंने माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर समझा दिया, माइक्रो प्रोसेसर समझा दिया, इमेमोरी प्रोसेसर समझा दिया, डीएसपी प्रोसेसर समझा दिया, और मीडिया प्रोसेसर समझा दिया। लेकिन हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सीपीयू कोर्स के बारे में आने वाले नए वीडियो के अंदर, कि सीपीयू कोर क्या होता है और क्या होता है सीपीयू कोर से। तो अगर आप कोई मार्केट में कोई सीपीयू खरीदने जाते हो, या तो फिर आपका कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हो, लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो ये कोर को ध्यान में रखकर और उसकी स्पीड को ध्यान में रखकर ये इम्पोर्टेंट से। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्लिक ऑन सब्सक्राइब, क्लिक ऑन लाइक बटन। आप मुझे कोई भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो आपको समझाने के लिए ये मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके,
और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं, और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है, तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।